Good morning. How are you all? Fine. Okay. So children, today we are going to study subject ES of class 4, right? Children, we have completed chapter number 16 in the last lecture. Okay. So today we are going to study chapter number 17, Tejal in Ahmedabad. So children, here is a short story about a girl, Tejal, right? She is a girl who come to Ahmedabad, a big city, from a village. For her mother, okay? Why? Because her mother is ill and she wants the treatment. That's why she come to Ahmedabad to her mama's house. Okay, children? So here today we are going to study about this girl Tejal, जो कि अहमदाबाद आती है अपने मामा के घर अपनी मम्मा की ट्रीटमेंट के लिए और बहुत सारी चीजें देखती है फिर उसमें सेटल होने का ट्राई भी करती है बहुत सारी चीजें हैं जो उसे सब पसंद नहीं आती है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो उनके साथ रहना भी सीख जाती है वो एक विलेज में से आती है और अहमदाबाद में सेट होती है ठीक है तो हमें ये देखना है आज देखो पेज नंबर हियर 129 ओके सी आई केम टू अहमदाबाद अ मंथ अगो फॉर माय मदर्स ट्रीटमेंट माय मदर हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल अभी ये एक महीने पहले की बात है जब वो अहमदाबाद आई थी और अपनी किस लिए आई थी अपनी मम्मा की ट्रीटमेंट के लिए ठीक है उसकी मम्मा जो है वो बीमार थी और उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो अहमदाबाद आती है और उनकी मम्मा को हॉस्पिटल में भी ऐड करवाती है ठीक है एडमिट करवाती है द बिग सिटी अहमदाबाद ठीक है मैंने बताया था आपको कि जो मेट्रोपोलिटन सिटी होती है ये हमने जीके में पढ़ा था ठीक है वहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा रहती है ठीक है तो आपने थर्ड में भी पढ़ा था कि जैसे जो लोग बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ लोगों को स्लम्स में रहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करके बड़ी सिटीज़ में जाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें जॉब कर सकें इसीलिए लोग विलेज से माइग्रेट होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में राइट ठीक है तो वहाँ पर जो है रहने की जगह कम पड़ने लगती है और लोग ज़्यादा होते हैं इसीलिए कई लोगों को स्लम्स में भी रहना पड़ता है कोई फुटपाथ पर भी रह लेता है ठीक है तो वैसे ही यहाँ पे भी अहमदाबाद की बात हो रही है देखो I have slowly got used to the city क्या बोल रही है कि मेरे को इस सिटी से used to होने के लिए बहुत टाइम लगा इस सिटी में सेट होने के लिए टाइम लगता है I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station it was so crowded I quickly got hold of my mother's hand ये जो लड़की है वो एक गांव की है ठीक है तो गांव में जो है इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता तो वो जब अहमदाबाद में आती है और जैसे ही वो लोग स्टेशन से उतरते हैं तो वो इतना सारा क्राउड देख के वो डर जाती है और अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेती है ठीक है तो वो क्या बोल रही है मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम ट्रेन से उतरे थे अहमदाबाद पहुंचे थे और कितना सारा क्राउड था और मैंने तरुण थी अपनी मम्मा का हाथ जो है वो पकड़ लिया आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड वो क्राउड देख के इतनी ज्यादा डर गई कि वो सोचती है कि इतना ज्यादा क्राउड है कि मामा हमको कैसे ढूंढेंगे ठीक है जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली बिहाइंड टीचर टीचर आई टर्न बैक एंड देयर वाज मामा व्हाट शी इज टेलिंग हियर सी बाय द टाइम शी वाज थिंकिंग दैट हाउ हर मामा विल फाइंड हर देन द वॉइस केम बैक फ्रॉम द लाउड ठीक है उस पीछे से उसको आवाज आ रही है कि तेजल तेजल तो वो जैसे ही पीछे घूमती है तो वो कौन होते हैं वहां पे उसके मामा होते हैं वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर सून ऑन आवर वे टू मामास हाउस ठीक है वो स्टेशन छोड़ के वहां से कहाँ जाने लगते हैं मामा के घर के रास्ते की तरफ जाने लगते हैं नाउ सी टर्न द पेज पेज नंबर 130 बट इट वॉज वेरी क्राउडेड हियर देयर वर मेनी हर्ट्स लाइंड अप ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट ठीक है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था वो जैसे ही अपने मामा के घर की तरफ पहुंचती है तो वहां पे भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है वहां पे छोटे छोटे हॉट्स होते हैं बहुत सारे और स्ट्रीट कैसी है बिल्कुल ही नेरो है ठीक है एकदम साकड़ी सड़क ठीक है वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस वो लोग स्ट्रीट से जाने लगे अपने मामा की घर की तरफ तो वहां पे स्ट्रीट में भी बहुत सारा क्राउड होता है क्योंकि स्लम्स में रहता है मैंने बोला ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत सारे लोग जो है वो स्लम्स में रहते हैं स्लम्स मतलब रहने की जगह उनको बहुत कम होती है वो एक या दो रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं
देखो यहाँ पे आया ना कि उसके मामा मामी, उसकी दो बेटियां और उसका बेटा, तो सब लोग कहाँ रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, और अब यहीं पे इसी रूम में उसको और उसकी मम्मा को भी रहना है। ठीक है, नाउ आई डू लीव हियर विद दैट, इट इज हियर दैट वी सीट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। यहाँ पे जो है इन लोगों को सोना भी यहीं पे है, खाना भी यहीं बनाना है, बैठना भी यहीं पे है, कपड़े बर्तन सब यहीं पे धोने हैं। ठीक है, माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज ओनली वन रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथरूम, वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। वो ये सब देख के क्या सोचने लगती है कि हमारा भी गाँव में जो है बिल्कुल छोटा सा ही घर है, वहाँ पे भी एक ही रूम है रहने के लिए, पर हमको खाना बनाने के लिए अलग जगह है, बैठने की अलग जगह है, ठीक है, और बर्तन कपड़े करने के लिए अलग जगह है, और कोर्टयार्ड भी है हमारा वहाँ पे। ठीक है, अभी देखो आगे वाटर वाटर। ठीक है, जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग इस तरह से स्लम्स में रहते हैं तो जब वाटर सप्लाई होता है गवर्नमेंट का, उस टाइम सब लोग जो है वो पानी भरने के लिए भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे पानी भरने का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है। ठीक है, तो रुत्वा मामी एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल द वाटर। देखो यहाँ पे रुत्वा जो कि उसकी मामी की लड़की है, ठीक है, रुत्वा मामी एंड आई, तो रुत्वा उसकी मामी और वो सब लोग कितने बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और कहाँ पे खड़े रहते हैं, पब्लिक टैप मतलब जहाँ से गवर्नमेंट का पानी आता है, ठीक है, वहां पे वो लोग पानी भरने के लिए लंबी सी लाइन में खड़े रहते हैं। Oh no, you won't believe how many fights are there for water. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. वो क्या बोल रही है कि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है पानी के लिए, और पानी के लिए लोग इतना सारा झगड़ते हैं कि अगर हम थोड़ा भी लेट हो गए तो हमें पानी नहीं मिलेगा, पूरे दिन हमें पानी के बिना ही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, पानी जितना पीना है उतना लेते नहीं है, एक ग्लास पानी लेते हैं, आधा ग्लास पीते हैं, आधा ग्लास फेंक देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पानी की वैल्यू, जिस पानी की, जो पानी आपको घर में मिलता है उसकी आप वैल्यू नहीं करते, लेकिन लोग देखो कितनी 4 बजे से लाइन में लगते हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके पूरे दिन के लिए। ठीक है, वो 4 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं पूरे दिन का पानी भरने के लिए। सो यहाँ पे आप ये सीख सकते हो कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी पीने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, सो देयर इज नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू, द पोंड इन द विलेज हैज वाटर, इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। ठीक है, हमारे घर, वो क्या बोल रही है कि हमारे घर में कोई पानी का टैप है नहीं, मतलब घर में पानी नहीं आता है, और यहाँ पे पोंड है, विलेज में पोंड है, लेकिन वो बहुत ही दूर है, हमको पोंड तक जाने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स मतलब नियरली हाफ एन आवर। ठीक है, इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पोंड ड्राइज अप, वो पोंड भी समर में कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मतलब वहां पे पानी रहता नहीं है, पोंड सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू द रिवर टू गेट द वाटर। ठीक है, फिर हमें पोंड में पानी तो मिलेगा नहीं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रिवर पे, जो कि यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, वो क्या बोल रही है, विलेज में इतनी सारी प्रॉब्लम थी लेकिन पानी के लिए झगड़ा नहीं होता था। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, इन द बिगनिंग आई फेल्ट वॉमिटिंग, एट टाइम्स देयर इज नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विद अस, नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स, इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रही है कि यहाँ पे क्योंकि एक ही रूम है रहने के लिए, खाने के पीने के लिए, तो यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है, वॉशरूम जो है वो स्ट्रीट के एंड पे है बिल्कुल, और पूरे स्ट्रीट के जितने भी हर्ट्स हैं, वहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं, पूरी स्ट्रीट के जो पीपल हैं, वो वही टॉयलेट यूज करते हैं, और वो क्या बोल रही है कि बहुत टाइम वो गंदा ही रहता है, और मुझे पहले पहले कैसा लगता था, मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता था। ठीक है, इन द बिगनिंग आई फील वॉमिटिंग, फिर वहाँ पे पानी का टैप भी नहीं है, हमें अगर वॉशरूम जाना है तो हमें अपने साथ पानी भी कैरी करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रही है कि गांव में जो है वो वॉशरूम्स नहीं होते थे, हम लोग फील्ड्स या फिर ओपन प्लेसेस का यूज करते थे। ठीक है, नाउ सी टर्न द पेज नंबर 132, एवरी डे आई
हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए भी उसको ऐसी ही क्राउडेड बस में जाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मैंने बोला ना, तो वहाँ पे क्राउड ज्यादा रहता है। जैसे ही सुबह होती है, सब लोग अपनी जॉब की तरफ, अपने वर्क की तरफ भागते हैं, इसलिए बस में भीड़ ज्यादा रहती है। तो वो भी इतने सारे क्राउड में उसको जाने में डर लगता था पहले, ठीक है ना, स्कैर्ड मतलब डरना, ठीक है। तो उसको डर लगता था, वो अफ्रेड थी, पर अभी वो इन सारी चीजों से यूज टू हो गई है। अब उसको बस में जाने में डर नहीं लगता है, क्योंकि बस कैसी थी, पूरी क्राउड से भरी, मतलब बहुत लोग होते थे बस में, इसलिए उसको बस में जाने से डर लगता था। नाउ बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। अब उसको डर नहीं लगता, अब वो यूज टू हो गई है, उसे सब पता है कि कहाँ कौन सी लाइन में खड़ा रहना है, कहाँ से टिकट लेनी है, बस पकड़ने के लिए कहाँ खड़ा रहना है और कहाँ उसे उतरना है बस से, ठीक है। वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, माय मम्मी वर्क इन 7 हाउसेस देयर, शी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउस, राइट। हम मेड रखते हैं घर में, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मामी जो है वो मेड का काम करती है। देखो यहाँ पे, वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, जहाँ पे वो स्ट्रीट है उनकी, जहाँ पे उसके मामा का घर है, वो स्ट्रीट के पास में ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, टॉल मतलब बड़ी, ठीक है। तो उसकी मामी जो है वो 7 घरों में काम करती है, वहां के बर्तन करती है और उनका घर साफ करती है। वन डे आई वेंट देयर विद हर, वो क्या बोल रही है, एक दिन मैं अपनी मामी के साथ गई थी। आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस, वो क्या सोच रही थी कि वो बहुत ही बड़ा हाउस है, बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। वो बिल्डिंग देख के ऐसा सोच रही थी कि पूरी बिल्डिंग एक ही घर है, क्यों, क्योंकि वो विलेज से पहली बार सिटी में आई थी, तो उसे पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के वो सोचने लगती है कि ये पूरा एक ही मकान है, बहुत ही बड़ी बड़ा मकान है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसा सोचती है, पर फिर उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो फ्लोर्स है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं, है ना, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है मेट्रोपोलिटन सिटीज में, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है अहमदाबाद में। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स, बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। तो वो जो है बच्ची छोटी सी, वो सोचने लगती है कि मैं इतना सारे स्टेयर्स में कैसे चढ़ूं, ठीक है। फिर उसे पता लगता है कि यहाँ पे तो ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए लिफ्ट भी है, जिसमें लोग ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। अभी वो लिफ्ट को डिस्क्राइब कर रही है, देखो, इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद फैन, लाइट एंड इवन अ बेल। वो क्या बोल रही है कि ये केज जैसा है, केज मतलब पिंजरा, है ना। वो क्या बोल रही है, एक आयरन पिंजरे जैसा है, जो कि जिसमें फैन भी है, लाइट भी है और बैल भी है, है ना। लिफ्ट देखिए आपने, नंबर्स होते हैं और बैल आइकन भी होता है वहां पे, बैल को भी आप कर सकते हो अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है। सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो लिफ्ट में जाते हैं, ठीक है। Somebody pressed the button and lift went up quickly, ठीक है। कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो जैसे ही लिफ्ट बिल्कुल ऊपर जाने लगती है। Really I was very scared in the beginning, तो वो जब पहली बार वो लिफ्ट में बैठती है तो वो जो है बहुत ज्यादा डर जाती है। क्यों डरती है, ताकि वो पहली बार बैठी है और जैसे ही उसकी मामी वो बटन प्रेस करती है सेकेंड फ्लोर पे जाने का, थर्ड फ्लोर पे जाने का, तो वो बिल्कुल ही डर जाती है, क्योंकि वो तुरंत ही लिफ्ट जो है ऊपर जाने लगती है ना। आप बैठे हो कभी लिफ्ट में, यस। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्ष हाउस, वो क्या बोलती है, फिर हम पहले किसके घर पे जाते हैं, हर्ष के घर पे। यहाँ पे एक लड़का है जिसके घर पे वो पहले जाती है। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, कौन से फ्लोर पे उसका हाउस, 12th फ्लोर पे, ठीक है। वॉट अ बिग हाउस, सो मेनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्ष हाउस, बट शी कुड वर्क इजीली। There was a tap in the kitchen, water flowed from it. वो क्या बोलती है कि वो घर देख के बहुत ही चौंक जाती है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है, वो कैसा उसका फेस हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो वो जो है वो बिल्कुल ही चौंक जाती है, वो सोचने लगती है कि कितना बड़ा घर है, है ना। तो वो सोचने लगती है कि ये तो घर जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे बैठने की अलग जगह है, सोने के लिए अलग रूम है, खाने के लिए अलग रूम है, टीवी देखने के लिए अलग रूम है, टॉयलेट भी है घर में और टैप्स भी हैं जहाँ से पानी आता है। नाउ टर्न द पेज, हर्ष हैज पुट अ बकेट बिलो द टैप टू फिल द वाटर फॉर हिज बाथ, देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी। सो
आई वेंट एंड क्लोज द टैप. वो क्या बोल रही है कि हर्ष ने जो है वो बाल्टी भरने के लिए टैप को खुला छोड़ा था ताकि वो बाथिंग के लिए, राइट, उसमें बाथिंग के लिए और बकेट फिल करा था जो कि उसने टैप खुला छोड़ दिया कि बकेट फिल हो जाए. तब तक वो टीवी देखने बैठा पर उसे बकेट का ध्यान नहीं रहा और पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था और हर्ष जो है वो आराम से टीवी देख रहा था. तो ये जो है तेजल, इसको ये अच्छा नहीं लगा और तेजल ने जाके टैप को बंद कर दिया. हर्ष हाउस हैज बिग ग्लास विंडोज, मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. हर्ष के हाउस में क्या है, ग्लास मतलब कांच की बड़ी विंडोज है, राइट. तो मामी जो है उसकी उसको विंडो से नीचे देखने को बोलती है. आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस. वो क्या बोलती है कि मैं यहाँ से मामा की स्ट्रीट और उनके घर देख सकती हूँ, ठीक है, पर मैं ये समझ नहीं पाती कि इसमें से मामा का घर कौन सा है. फ्रॉम आउट देयर एवरीथिंग बिलोंग लुक लाइक स्मॉल टॉल्स. आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट. वो लड़की जो है पहली बार 12th फ्लोर पे गई थी, वो जब नीचे देखती है तो उसे सब घर जो है स्ट्रीट है बिल्कुल छोटे छोटे टॉयज के जैसा दिखता है और वो पहले पहले बहुत डरती थी नीचे देखने के लिए, है ना. नाउ सी टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 136. देखो क्या है, अ न्यू ट्रबल. देखते हैं अब तेजल के लिए क्या ट्रबल आता है, ठीक है. मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद. वो क्या बोलती है कि मामा ने मुझे बोला था कि वो मुझे अहमदाबाद दिखाने लेके जाएंगे. द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट. यहाँ के बच्चे जो है वो रिवर फ्रंट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, है ना. तो अहमदाबाद में क्या क्या फेमस है, रिवर फ्रंट, साबरमती नदी, है ना. तो यहाँ पे उसके मामा जो है, यहाँ के बच्चे जो है वो रिवर फ्रंट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसे वो देखने की इच्छा होती है. दे आर टेलिंग दैट अ बिग फिल्म स्टार्स लीडर्स एंड स्पोर्ट पर्सन ऑल्सो कम देयर. वो क्या बोलती है कि यहाँ पे बिग फिल्म स्टार्स आते हैं, मतलब फिल्म स्टार्स, आपको पता है ना फिल्म स्टार्स हीरो हीरोइंस, ठीक है. तो यहाँ पे वो लोग भी आते हैं, लीडर्स आते हैं, स्पोर्ट पर्सन आते हैं. मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी देम देयर. ठीक है, वो विलेज में रहती है तो उसे भी इच्छा होती है कि मैं भी किसी हीरो हीरोइन को देखूँ यहाँ पे आई हूँ, ठीक है. तो वो सोचती है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी शायद मुझे भी कोई हीरो या फिर हीरोइन देखने को मिल जाए. Then these days mama is so worried. I cannot ask him to take me to river front. वो क्या बोलती है, इस टाइम पे मामा बहुत परेशान रहते हैं, मैं उन्हें बोल नहीं सकती कि मुझे river front पे लेके जाओ. Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place. अभी वो बता रही है कि उसके मामा जो हैं वो क्यों परेशान रहते हैं. तो देखो वहाँ पे उनके घर पे नोटिस आई थी कि ये जो है ये जगह, ये स्ट्रीट जो है वो थोड़े दिनों में सबको खाली कर देंगे, ठीक है. This place belongs to government, so it should be vacated. Mama is saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notice. People who live here have been given another place to make their houses, but it is a little far. Mama will have to spend more money and time to reach his workplace. Mommy will have to find some other work. How will I be able to visit my mother? Yes, mother is not completely well. अब क्या बोल रही है वो कि ये जो जगह है वो गवर्नमेंट की होती है, इसलिए यहाँ से जब सारे लोगों को निकालने में आता है तो गवर्नमेंट उन्हें दूसरी जगह देती है जहाँ पे वो अपने हर्ट्स बना सकें, घर बना सकें और वो लोग रह सकें, ठीक है. तो मामा क्या उसको बताते हैं कि ये 10 ईयर्स में ये तीसरी बार हो रहा है जहाँ हम अपना घर चेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो पीपल जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, लेकिन शिफ्ट होने के बाद उनको ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, ठीक है. तो क्योंकि वो प्लेस दूर है तो उन लोगों को अपने काम पे पहुँचने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है, तो इसलिए वो बोल रही है कि मामा को भी अभी अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है. और उसकी मामी जो कि वहाँ के घरों में काम करती थी, तो उसे यहाँ पे आके दूसरे घर ढूंढने पड़ेंगे काम करने के लिए, और मैं अपनी मम्मा के पास कैसे जाऊँगी. वो सोच रही है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपनी मम्मा को मिलने कैसे जाऊंगी हॉस्पिटल में, मेरी मम्मा अभी तक ठीक नहीं हुई है, ठीक है. ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ओके, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी हैव टू फेस एवरी डिफिकल्टी एंड लर्न टू सेट इन ईच ऑफ द डिफिकल्टीज, राइट. नाउ सी चिल्ड्रन, हियर हार्ड वर्ड्स आर गिवन टू यू. सी हियर नंबर 1, इट इज ट्रीटमेंट, राइट. तो ये हार्ड वर्ड्स आप लोगों को लर्न करने हैं. देखो नंबर 1 में क्या है, ट्रीटमेंट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रीटमेंट, TREATMENT.
रिलेशंस के बारे में लिखना है। तो मामा's wife, मामा की जो वाइफ है वो आपकी क्या होगी? मामी, राइट? सो यू विल राइट मामी। फिर देखो नंबर टू, फादर्स सिस्टर, पापा की बहन, उसको क्या बोलते हो आप? फोई, राइट? फिर मदर्स सिस्टर, मम्मा की बहन, उसको हम क्या बोलते हैं? मासी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मासी। देन सी, काका's वाइफ, काका की वाइफ को क्या बोलेंगे हम? काकी, और एल्स आंटी, राइट? फिर देखो फादर्स यंगर ब्रदर, पापा के बड़े भाई को हम क्या बोलेंगे? काका, राइट? और एल्स बड़े पापा। फिर है मदर्स फादर, मम्मा के पापा को क्या बोलते हो? नाना। फिर मम्मा की मम्मा को क्या बोलेंगे? नानी। मदर्स मदर इज कॉल्ड एज अ नानी। फिर देखो एट नंबर, फादर्स मदर, ठीक है, तो फादर्स मदर को हम क्या बोलेंगे? दादी, राइट? ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? ओके, वेरी गुड। नाउ सी हियर इन फॉर्म बुक, इट इज चूज द करेक्ट आंसर। टू हूम हाउस डिड तेजल गो फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, वो अपनी मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए किसके घर पे गई थी? बोलो, अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया, काका के घर पे, मामा के घर पे, मासा के घर पे, या फिर ग्रैंडफादर यानी कि पापा के पापा, ठीक है? तो ग्रैंडफादर के घर, किसके घर पे गई थी? यस, करेक्ट, मामा। इन विच व्हीकल डिड तेजल ट्रैवल फ्रॉम हर विलेज टू अहमदाबाद, वो अपने विलेज से अहमदाबाद जाने के लिए किस में ट्रैवल करती थी? बस। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए, राइट? फिर देखो, इट मामा's प्लेस वेयर डिड रुत्वा एंड तेजल गो टू फेच वाटर, मामा के प्लेस पे जब वो जाते थे तो जहाँ वो रहने गई थी मामा की घर पे, तो वहाँ पे रुत्वा और उसकी, रुत्वा तेजल और उसकी मामी, वो कहाँ पे जाते थे पानी भरने के लिए? पब्लिक टैप, राइट? फिर वेयर वॉज द टॉयलेट इन मामा's हाउस, मामा के घर पे टॉयलेट कहाँ पे था? स्ट्रीट के एंड में, राइट? तो एट द एंड ऑफ द लेन। फिर है वेयर वॉज तेजल्स मदर बीइंग ट्रीटेड, वो कहाँ पे ट्रीट हो रही थी? हॉस्पिटल में, तो कौन सी हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट? फिर है व्हाट डिड तेजल विश टू सी इन अहमदाबाद, तेजल की क्या विश थी अहमदाबाद में देखने के लिए? रिवर फ्रंट देखना चाहती थी, राइट? फिर है व्हाट इज मदर्स सिस्टर कॉल्ड, मम्मा की बहन को क्या बोलते हैं? हमने यहाँ पढ़ा ना, हाँ भैया, मदर्स सिस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मासी, राइट? सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स। तेजल हैड कम टू डैश सिटी फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, कौन सी सिटी में आना पड़ा उसको? अहमदाबाद में, राइट? फिर डैश हैड टू कम टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप तेजल एंड हर मदर, कौन आया था तेजल और उसकी मम्मा को लेने? उसके मामा। तेजल हैड टू गो टू द डैश टू फेच वाटर ड्यूरिंग द समर, तेजल को कहाँ जाना था समर में? वो गाँव में जब रहती थी तो समर के टाइम पे जब कौन सूख जाता था तो उसको कहाँ जाना पड़ता था? रिवर में, राइट? ताकि वो रिवर से पानी भर सके। इट इज नेसेसरी टू बाय अ डैश टू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बस, क्या जरूरी है ट्रेन या फिर बस से ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए क्या लेना पड़ता है? टिकट, यस। तेजल्स मदर्स मदर इज रिलेटेड टू हर एज हर नानी, राइट? मम्मा की मम्मा उसकी क्या हुई? नानी हुई ना। मामा's वाइफ इज कॉल्ड मामी, सो काका's वाइफ इज कॉल्ड एज अ आंटी, ओके? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट और रॉन्ग? तेजल हैज कम टू अहमदाबाद फॉर अ वेडिंग इन हर मामा's हाउस, इज इट राइट और रॉन्ग? किस लिए आई थी वो? वो अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है? तेजल्स मामी वेंट टू हर हाउस एज अ डोमेस्टिक हेल्प, वो डोमेस्टिक हेल्प करने गई थी, यस, ओके? फिर मामी एंड तेजल वेंट टू हर हाउस इन अ लिफ्ट, वो लिफ्ट में गए थे या स्टेयर्स के इस पे चढ़ के, so that is lift, okay? so ये भी right है। फिर at mama's place Tejal had to go at 4 AM to fetch water, right? हमने पढ़ा था कि वो 4 AM से भी line में लग जाते हैं, क्योंकि अगर वो late होते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता है पूरे दिन के लिए, इसलिए वो 4 बजे से ही line में लग जाते हैं पानी करने के लिए। Tejal's father used to go to hospital to visit her mother, यहाँ पे कोई बात हुई नहीं है Tejal के पापा की, ठीक है? स्टोरी में हमने Tejal के पापा के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग आएगा। फादर्स मदर इज कॉल्ड एज ग्रैंडमदर, पापा
फिर देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में यही चीजें हैं, सो मैच द फॉलोइंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। फादर सिस्टर उसे क्या बोलेंगे, मदर सिस्टर, मदर्स फादर एंड फादर्स यंगर ब्रदर, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू बाय, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके चिल्ड्रन, क्लियर आपके लिए? यस, वेरी गुड। ओके सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट